अस्सलाम वालेकुम, कैसे भी हो? सब ठीक है? अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो अपने सामान में रखे, आज हम बहुत ही मैं मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ बीफ बिरयानी, मसालेदार, बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी, जैसे कराची में खाते, बहुत ही यमी सी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कोई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आपको मिले वो कमेंट्स में लिखा करें, तो वीडियो देखा भी करें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी बीफ बिरयानी मसाले। तो व्यूज, बीफ बोटी जो है हम बनाने लगे बिरयानी, तो कराची की मज़ेदार सी स्पाइसी। तो अब क्या करेंगे कि ये देखें बीफ है मेरे पास, ये देखें मैंने ये इतनी साइज़ की बोटी ले ली, आपकी मर्ज़ी, आप बड़ी लें, छोटी लें, जैसे भी कर लें, लेकिन हमने छोटी छोटी करवा ली है। तो ये मेरे पास 1 kg, उसी हिसाब से मेरे पास ये चीज़ें हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या इसमें। योगर्ट चाहेगा, ठीक है, बेलीव है, और ये ब्राउन अनियन है, मतलब ब्राउन कर लिए मैंने, और पुदीना है, ग्रीन चिली है, टमेटो है, लेमन है, अदरक और लहसुन, इन सारी चीज़ों का मैं पेस्ट बना लूँगी, ये जो सारे हैं ना मसाले ग्रीन। और उसके अलावा जो इसमें बिरयानी मसाला होता है वो ये है, मैं घर वाले ही डालती हूँ। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो इतनी है, जायफल है, ब्राउन इलायची है, दालचीनी है, और ये फूल है एक, वो जो होता है क्या नाम है इसका, और ग्रीन इलायची है, लौंग है, और ये दालचीनी है, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा ज़ीरा, ज़ीरा मैं इसमें कुटा डाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें इनको मैं भी पीस लेती हूँ, ये बिरयानी मसाला है जो खुशबू के लिए होता है, ठीक है, ये मेन इन्ग्रीडियन है, ठीक है। और उसके अलावा चावल है, ये देखें, ये इनको भी अभी मैंने सो करना है, क्योंकि हमने ये मसाला लगा के तो इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट के लिए रखना है, इसलिए मैंने चावलों को पहले नहीं किया, ताकि फिर बाद में हम उसको करें। तो चले ये चीज़ें हैं, फिर मैं अब उनकी इन सारी चीज़ों की पेस्ट बनाती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना। तो अब ये मसाले पीसते हैं फिर। तो व्यूअर्स, अब ये देखिए योगर्ट मैंने इसमें डाला है, ठीक है, 1 कप के करीब है, और ये ब्राउन जो प्याज है वो है, ठीक है, और ये वो मसाला है जो मैंने अभी पीसा है बिरयानी मसाला, जो लहसुन अदरक का पेस्ट जो भी बताया मैंने आपको, टमेटो और ग्रीन चिली, फ्रेश लेमन जूस, रेड चिली पीसी हुई, जितनी आप ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई ज़ीरा पाउडर, दरदरा सा धनिया पाउडर, टर्मेरिक, सॉल्ट जितना आप खाते हैं, धनिया और पुदीना है, ये एक मुट्ठी है, बाकी फिर हम बाद में जो है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बस ये हमारा हो गया है, इसको मैरिनेशन इसकी तैयार। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसको फ्रिज में रख देते हैं। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, चाहें तो इसको आप प्रिपेयर करके फ्रीज कर सकते हैं, बाद में मतलब कभी इमरजेंसी में बनानी हो तो फटाफट निकाल के तो बना सकते हैं बिरयानी। तो अब इसको मैं रख देती हूँ 2-3 घंटे के लिए रखूँगी। तो आप चाहें ओवरनाइट रखें, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको रखते हैं, तो फिर बाकी फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। तो व्यूअर्स, अब ये मैरिनेशन कंप्लीट हो गया, अब हम इसका जो है ना स्टार्ट करते हैं कुक करना। तो यहाँ मैंने ले ली पैन, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें मैं ½ कप के करीब जो है ना वो ऑयल इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ऑयल का क्या है ना कि हमने बाद में भी इसी का थोड़ा यूज़ करना है, ठीक है। तो व्यूअर्स, अब हम क्या करते हैं, इसमें ये डालते हैं अपनी सारी मीट को, तो इसको जो है ना वो पकाते हैं। मैंने इस वजह से इसको कर लिया मैं पहले से, और छोटी बोटी की हुई है, ताकि ये जो है ना आराम से इजीली कुक हो जाएगा, गल जाएगा। तो अगर आपको लगे कि आपके पास आप बड़ी बोटी यूज़ कर रहे हैं उसकी, तो आप कुकर में भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा जल्दी बनानी हो तो, लेकिन हमारे यहाँ पर ये जल्दी गल जाता है, तो इसलिए मैं इसमें 1 कप पानी डालूँगी और इसको आराम से जो है मीडियम पर इसको कुक करते हैं। तो अब इसको पकने देते हैं, 10 से 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको मीडियम पे कुक करने, पहले थोड़ा सा हाई पे करें फिर स्लो पे कर लें, तो उसके बाद जो है ना इसको कवर करें और आराम से जो है ना वो कुक होने दें, और ये हो जाएगा इजीली हमारा। तो अगर आपको ज़्यादा लगे तो कुकर में कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये देखें हमारा मज़ेदार सा ये जो है ना उसका बन गई है, ये गल गया हमारा ये अच्छे से, ये देखें इसका मसाला अच्छे से तैयार हो गया। तो इसलिए हमने छोटी बोटी रखी थी, ताकि वो जो है ना वो जल्दी से गल जाए, ये रखें, बहुत अच्छा सा हो गया। अब हम इसका अगला स्टेप करते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, अब हम चावल बॉयल करते हैं, वो हमारा कोरमा तैयार हो गया इसका। तो इसके बीच में ये देखें मैं बेली डाल रही हूँ, ये एक दालचीनी का ये डाल रही हूँ, और ये कुछ पुदीना और धनिया, ये जो ग्रीन है ये डाल रही हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाएगा। उसके अलावा इसमें ग्रीन चिली मैं डाल रही हूँ, ठीक है, ये जो मैंने डाली थी ये इस तरह से करके,
तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट का यही होता है कि आपने साथ साथ चेक करना है कि अपनी मर्ज़ी से जितना आप खा चाहते हो उतना ही खा सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा साबुत। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो और इसमें जाएगी ये ब्राउन इलायची जो है वो इसमें मैं डाली हूँ, और ये बादियान के फूल है, ये ज़रा टूट फूट का शिकार हो गया है, एक है ये इसमें जाएगा। ठीक है, और ये तीन चार लौंग बस ये इसमें जाएंगे। तो व्यू सब यहाँ पे हम चावल अपने डालते हैं। चावलों का ये है कि हमने यहाँ पे इसको ना 75% से लेके 80 तक जो है ना इसको हमने करना है कुक, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए चावल हमारे ऑलमोस्ट जो है वो कुक होने लगे हैं। तो मैंने ये बताना था कि ये जो मसाला है ये जो है ना ये ग्रीन जो है धनिया और पुदीना डाला है, तो इसको जो है ना वो उठा लेंगे क्योंकि ये मैंने वैसे ही डाला था काटे बगैर, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। ओके, तो व्यूअर्स ये देखिए ये मैंने ऑयल जो है ना ऊपर से निकाल लिया है ताकि जो है ना ये हमने ऊपर डालना है तो इसलिए एक्स्ट्रा से नहीं डालना। तो चले स्टार्ट करते हैं। आप इसमें चावल अपने जो है वो डाल दें। ये देखिए मैं साथ साथ ही इसमें से ना ऐसे डाल रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे ये देखिए आलू बुखारा था मेरे पास, ये वाला है, ये भी इसमें डालना जरूरी है बिरयानी में, आपको पता नहीं ये बहुत जरूरी है। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे हमारे ये जो ऑयल हमने किया था उसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये सारा अच्छे से, साथ ही यहाँ पे ये ग्रीन मसाला जो है वो ये इस थोड़ा से इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं इसमें रेड कलर थोड़ा सा डाल रही हूँ ब्यूटी के लिए। ठीक है, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो डाल लें। लेमन लगा देंगे ऊपर। तो बस अब इसको दम लगा देते हैं। मैं फॉइल पेपर के साथ इसको 15 मिनट्स के लिए लगाती हूँ। 5 मिनट जो है वो आपने हाई पे रखना है, स्लो पे रखना है। तो व्यूअर्स ये फॉइल के साथ मैंने इसको दम लगा दिया, 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं। ओके, तो व्यूअर्स ये हो गया हमारे 15 मिनट्स, और ये देखें मज़ेदार सी हमारी बनी बिरयानी। ये देखें बहुत अच्छे से जा रहा है चावल, बिल्कुल हमारे अच्छे से कुक हो गए। ठीक है, चले अब इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स ये बन गई हमारी मजेदार सी, तो व्यूअर्स ये बन गई हमारी मजेदार सी बीफ बोटी बिरयानी, मसालेदार यमी सी। तो चले हम, मैंने तो आपको बता दिया आसान सा अच्छा सा लेकिन मज़ेदार सा तरीका। तो चले आप भी ज़रूर ट्राई करें और बनाना और खाना खिलाना एंजॉय करना। और दुआ में याद रखें, जाने से पहले वही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी हमारी वीडियो वो आपको मिले कॉमेंट्स में लिखा करें। तो ट्राई करना ज़रूर, और कैसी लगी तो वो ज़रूर बताएँ। ओके, बाय बाय।